यस छात्रों, क्लास 11 इंग्लिश, ध्यान रखिए, आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। यू मस्ट नो द इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश हमारे लिए आज की डेट में यूनिवर्सल लैंग्वेज है। विदाउट इंग्लिश यू कॉन्ट डू एनीथिंग। ठीक, तो मैंने आपको ये लेसन स्टार्ट किया था डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूअस, यानी टूट जो मिस्र का फेरो या राजा था उसकी कैसे खोज की गई और उसकी कहानी आज भी जारी है। वीर गाथा, सागा यानी वीर गाथा आज भी जारी है। उसी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ डिफिकल्ट वर्ड कराए हुए थे। ए विलियम्स ने इसको लिखा हुआ है। 37 मैंने कुछ मेडिकल टर्मोलॉजी भी आपको बताई हुई थी। आज मैं इसका आधा पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आधा नेक्स्ट क्लास में करने के बाद अपन इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। आपने इजिप्ट या मिस्र का नाम सुना होगा, वो एक पुरातन सभ्यता है। ये पुरातन सभ्यता बिल्कुल इंडिया के जैसे ही है। ठीक, बोथ इंडियन एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन आर वेरी ग्रेट, दोनों महान सभ्यता है। ठीक है, जब एक कार्टर नामक आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व शास्त्री मिस्र में था, तो उसने ममी की खोज करना स्टार्ट की। ठीक है, तो उसको जो ममी मिली, ममी क्या होती है, मिस्र में राजाओं को बिल्कुल उसकी मृत्यु के बाद केमिकल से लेप करके दफना दिया जाता था। तो जो और रख ताबूत में बंद करके पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था, तो जो बॉडी रहती थी वो मम्मी कहलाती थी। इस मम्मी के ही कहानी में कर रहे हैं। और ये जो मम्मी मिली थी वो राजा टुट 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 की थी। टुट वॉज वेरी रिच किंग एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ इजिप्शियन कल्चर। क्लियर, इट मे बी डाउटफुल बट आई थिंक टुट टुट की सबसे पहले एक टॉम टॉम यानी मकबरा खोजा गया इन 1922, यानी आज से करीब 100 साल पहले। और 1920 के आसपास जब इसको खोज कर ली गई, तो जब लेखक ने इसकी कहानी लिखना शुरू की तो उसने ये बताया कि उसके 80 साल के बाद जो मम्मी थी उस मम्मी को निकाला गया, और मम्मी को निकालने के बाद उसका सीटी स्कैन किया गया। आप सीटी स्कैन जानते हो, बॉडी का 3 डायमेंशन पिक्चर लेकर जब उसकी स्टडी की जाती है तो वो 3 डायमेंशन पिक्चर कैलकुलेट करने के लिए सीटी स्कैन किया जाता था। जहां पर राजा टुट को दफनाया गया था वो वैली ऑफ द किंग कहलाती है। ठीक, और सबसे पहले जनवरी 5, 2005 को, ठीक है, राजा टुट जो मम्मी के फॉर्म में अंदर दफन था उसकी मम्मी को निकाला गया, और निकालने के बाद सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया। जब हम सीटी स्कैन के लिए इसको ले जा रहे थे तो वहां पर कुछ अनोखी घटनाएं भी होने लगी। वहां पर बहुत सारे विजिटर्स थे जो उनको पता लगा कि पहली बार मम्मी को निकाला जा रहा है, तो वो सारे लोग आशंकित थे। देर वेयर मैनी विजिटर वेन मम्मी वॉज टेकिंग टू स्कैन। वहां पर बहुत सारे विजिटर्स आए थे, और जैसे ही मम्मी को बाहर निकाला जा रहा था तो जितने भी विजिटर्स थे बाहर से आए हुए थे वो सब शशंकित थे कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। और वाकई में वहां पर कुछ ऐसा हुआ था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी थी और वहां का एटमॉस्फेयर में भी कार्य काफी ज्यादा चेंजेस दिखाई दिए। ठीक है, ये जो ऑथर जिसके बारे में बता रहा है
कि सबसे पहले मम्मी जिसने निकाली थी ही वॉज कॉटर। कॉटर क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट था। वहां पर उसने देखा कि जब हम सिटी स्कैन के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले कॉटर ने मम्मी को निकालने का प्रयास किया था, तो उसने देखा कि मम्मी बहुत खराब कंडीशन में। क्यों है? क्योंकि जो कॉटर आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्व शास्त्री था, उसने जब मम्मी को निकाला था तो बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया था, उसको निकाला था और निकालने के बाद उसके ऊपर जो लेप लगा हुआ था तो लेप को उसने या मम्मी को जब निकालने की कोशिश की तो उसका लेप नीचे साइड बहके गया था। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, मम्मी जब रखी हुई थी अंदर उस कॉफिन या ताबूत के अंदर, तो जो केमिकल निकला वो इतना हार्ड हो गया था कि मम्मी को निकाला नहीं जा सकता था। अब उसके सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई, तो उसने एक नया काम किया कार्टन ने। कार्टन ने मम्मी को धूप में रख दिया। आप जानते हो कि अफ्रीका में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, 154 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होने के बाद भी मम्मी का कुछ नहीं हुआ और बल्कि हार्ड हो गई। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, कॉटर बिगेन इन्वेस्टिगेशन बट कुड नॉट ब्रिंग द मनी फ्रॉम आउट ऑफ कॉफिन बिकॉज इट वॉज सो हार्ड। अब मम्मी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, इसको निकालने के लिए वो लगातार प्रयास करता रहा। और उसने एक और चीज को नोटिस किया कि जहां पर राजा टूट की कब्र है उसके पास आलीशान चीजों का भंडार है, सोने से उसका पूरा का पूरा मर दिया गया है, ताबूत भी सोने का, आगे पीछे सब जगह उसकी एक से एक हीरे जवाहरात सोना कपड़ा वाइन खाने पीने का सामान सब रखा हुआ था। तो इससे उसने ये अंदाज लगाया कि जो राजा टूट जिसकी हम मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही रईस था, और उसी मम्मी को यहाँ पर हम सीटी स्कैन करने के लिए लेना ले जाना चाह रहे हैं। इसी को यहाँ पर राइटर ए विलियन ने यहाँ पर बताया है, और इसलिए इस लेसन का नाम है डिस्कवरिंग टूट, यानी टूट राजा जो था उसकी खोज जारी है और उसके बारे में कहानी भी आज तक जारी है। तो ये आपका आधा पार्ट है। अब इसकी मम्मी को कैसे क्या किया गया और क्या क्या रिजल्ट निकला और क्या क्या ये अनुमान लगाया गया, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार यहाँ तक का लेसन आप देख लीजिएगा।